हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 6C पे और क्वेश्चन नंबर है 1। चित्र में देखिए रेखा M रेखा N के समांतर है और एंगल 1 और एंगल 2 का अनुपात जो है 3:2 का अनुपात है। 1 से 8 तक के सभी कोणों का मान ज्ञात करना है। चलिए सबका निकालना है। यहाँ पे देखिए हमारे पास दिया हुआ है कि एंगल 1 और एंगल 2 का अनुपात 3:2 है। तो हम लोग इसमें मान लेते हैं कि एंगल 1 जो है आपका 3x है और एंगल 2 जो है आपका 2x है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं। एंगल 1 और एंगल 2 का योग जो होगा 180 डिग्री हो जाएगा ना जी। कैसे होगा? रैखिक युग्म अभिगृहित से। ठीक है, रैखिक युग्म अभिगृहित से। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए एंगल 1 कितना है आपका 3x है और एंगल 2 कितना है 2x है और बराबर में 180 डिग्री, यानी 5x बराबर में 180 डिग्री। इसको ले जाएंगे भाग में, यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री और बटा में 5 कट जाएगा, 36 डिग्री हो जाएगा। x बराबर में कितना आ जाएगा 36 डिग्री आ जाएगा। अब हमें निकालना है एंगल 1 और एंगल 2 से लेकर सभी को निकालना है ना जी। तो पहले एंगल 1 की बात करते हैं, तो 3x है यानी कि 3 गुना में हो जाएगा 36, 108 डिग्री हो जाएगा। और एंगल 2 की बात करें तो वह है 2x, यानी हो जाएगा 2 गुना में 36, 72 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं एक एक करके सभी कोणों को। एंगल 1 एंगल 3 के बराबर हो जाएगा ना, यानी 108 डिग्री हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से। देखो एंगल 1 3 के बराबर होगा ना शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। अच्छा, दूसरा एंगल 3 जो है एंगल 5 के बराबर हो जाएगा, ये भी 108 डिग्री एकांतर अंतः कोण से, एकांतर अंतः कोण से। ठीक है, अच्छा, और एंगल 5 जो होगा एंगल 7 के बराबर हो जाएगा, ये आपका शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से हो जाएगा। तो अब इन सब से हमें यही ना कंक्लूजन मिल रहा है, इसका मतलब कि एंगल 1 बराबर एंगल 3 बराबर एंगल 5 बराबर एंगल 7, ये सभी कितने हैं 108 108 108 डिग्री है। फिर अब आगे देखते हैं एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होगा कैसे, तो ये शीर्षाभिमुख कोण से दिख रहा है, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से दिख रहा है। अच्छा, और क्या हो जाएगा? एंगल 4 जो होगा एंगल 4 एंगल 6 के बराबर, ये भी 72 डिग्री एकांतर अंतः कोण से, एकांतर अंतः कोण से। ठीक है, अच्छा, अब देखिए इसके बाद क्या बचता है। एंगल 6 जो है एंगल 8 के बराबर हो जाएगा, ये भी आपका 72 डिग्री हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से हो जाएगा। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण से यह चीज हो जाएगी। तो अब यहाँ से इसलिए आ सकता है कि एंगल 2 बराबर एंगल 4 बराबर एंगल 6 बराबर एंगल 8 बराबर में यहाँ पर 72 डिग्री ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए, ये दोनों आपके आंसर आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे चित्र में देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एम एन के समांतर है, एंगल 4 और 6 का अंतर यहाँ पे 30 डिग्री दिया है। तो एंगल 1 से लेकर 8 तक सभी कोण निकालने हैं। चलिए देखते हैं, हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है कि एम एन के समांतर है रेखा, तो एंगल 4 और एंगल 6 का योग जो होगा 180 डिग्री हो जाएगा ना, एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग, अंतः कोण है तो इनका योग 180 होगा ना जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं ये समीकरण 1। अच्छा, एंगल 4 माइनस एंगल 6 बराबर में 30 डिग्री दिया हुआ है, ये समीकरण आपका 2 है। अब इन दोनों समीकरणों से देखिए, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो एंगल 4 प्लस एंगल 6 इक्वल टू में 180 और एंगल 4 माइनस एंगल 6 इक्वल टू में 30 डिग्री। तो अब यहाँ से देखिए ये इससे कट जाएगा, 2 एंगल 4 इक्वल टू में यहाँ पर कितना आ जाएगा 210 डिग्री, ये जाएगा भाग में, तो एंगल 4 इक्वल टू में 105 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल 4 105 हो गया। अच्छा, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में एंगल 4 का मान रखने पर, ठीक है, तो एंगल 4 का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है एक देख लीजिए, एंगल 4 प्लस एंगल 6 यानी 105 प्लस 106 एंगल 6 बराबर में 180 डिग्री, इसको ले जाएंगे उधर घटा देंगे तो ये आपका 75 डिग्री यहाँ से हो जाएगा। तो एंगल 4 और 6 निकल गया, बाकी सब कोण निकालते हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं,
हम लोग एंगल चार और छ निकाल लिए। अब देखिए एंगल चार जो होगा एंगल दो के बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से, तो यानी कि ये हो जाएगा 105 डिग्री शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से यह हो जाएगा। अच्छा अब देखिए यहाँ पर, यहाँ पर एंगल चार जो होगा एंगल पाँच के भी बराबर हो जाएगा, ये भी 105 डिग्री एकांतर अंतः कोण से, एकांतर अंतः कोण से, ठीक है। अच्छा और फिर उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि एंगल पाँच जो होगा एंगल सात के भी बराबर हो जाएगा 105 डिग्री, ये शीर्षाभिमुख कोण से हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल दो बराबर एंगल चार बराबर में, एंगल पाँच बराबर एंगल सात बराबर में आपका 105 डिग्री। अब इसके बाद देखिए एंगल छः हमारे पास पता है, तो एंगल जब छः आपको पता है तो एंगल छः एंगल आठ के बराबर होगा, यानी कितना हो जाएगा आपका 75 डिग्री, 75 डिग्री ना जी, 75 डिग्री। तो ये कैसे हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण से ना, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा और फिर इसके बाद एंगल आठ जो होगा एंगल एक के बराबर हो जाएगा यहाँ पर, ये भी 75 डिग्री होगा, ये हो जाएगा कैसे, एकांतर अंतः कोण से, एकांतर अंतः कोण से, ठीक है। अच्छा और दूसरा जो है, दूसरा एंगल एक जो होगा एंगल तीन के भी बराबर हो जाएगा, ये भी 75 डिग्री, ये आपका कैसे, एक शीर्षाभिमुख कोण से हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसलिए लिख सकते हैं कि यहाँ से एंगल एक बराबर में एंगल तीन बराबर में एंगल छः बराबर में एंगल आठ इक्वल टू में 75 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए क्या दिया है। चित्र में देखिए पी समांतर है क्यू और यहाँ पर एंगल तीन और एंगल आठ का अनुपात दिया हुआ है 1:3, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए, तो कह रहा है कि एंगल एक से आठ तक के मानों को ज्ञात करना है, हमारे पास क्या दिया है एंगल तीन और एंगल आठ का अनुपात दिया है 1:3, ठीक है। अब देखिए हमारे पास यहाँ चित्र में देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग इसको मान सकते हैं, ऐसे मान लेते हैं एंगल तीन बराबर में एक्स और एंगल आठ बराबर में 3x। चलिए अब इसके बाद देखिए ये जो एंगल आठ है एंगल छः के बराबर हो जाएगा ना, यानी कि ये 3x कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से आप लिख सकते हैं, ठीक है। एंगल छः जो है आठ के बराबर हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से यहाँ पे। चलिए अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ तीन और छः की बात करेंगे, तीन और छः की बात करेंगे, तो हम लोग देख रहे हैं कि एंगल तीन और एंगल छः का योग 180 डिग्री हो जाएगा, एक ही तरफ के अंतः कोण है, एक ही तरफ के अंतः कोण है, इसलिए इनका योग 180 हो जाएगा। अब देखिए अगर यहाँ पे एंगल तीन की बात करें तो x है और एंगल छः की बात करें तो 3x है और बराबर में है 180 डिग्री, यानी कि 4x बराबर में 180 डिग्री, और इसको ले जाएंगे भाग में तो यहाँ पर आ जाएगा 180 और बट्टा में 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 45 डिग्री। तो x 45 डिग्री हो गया, तो अब इसके बाद देखिए x 45 हो गया, तो चलिए अब इसके बाद देखते हैं x आपका हो गया x 45, तो हम लोग यहाँ पे देखिए एंगल 3 कितना है x है, यानी कि हो जाएगा 45 डिग्री। अच्छा एंगल 8 कितना है 3x है, यानी कि 3 × 45, तो ये 135 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए एंगल 8 हो गया, तो एंगल 8 जो है एंगल 6 के बराबर हमने ऊपर दिखा दिया, वो भी 3x, तो ये तो 135 ये यहीं से हो जाएगा। चलिए अब देखिए अब एंगल 8 की बात हो गई, तो एंगल 8 जो होगा वह एंगल 4 के भी बराबर है, संगत कोण दिख रहे हैं, तो ये भी आपका संगत कोण से 135 हो जाएगा, संगत कोण के युग्म है। चलिए अच्छा एंगल 4 जो है एंगल 2 के भी बराबर है, तो ये भी आपका 135 हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, ये शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण के युग्म है, ठीक है, इससे हो जाएगा।
ठीक है। तो इसलिए एंगल यहाँ पे 2 बराबर एंगल, 4 बराबर एंगल, 6 बराबर में एंगल 8, यानी कि ये सब 135 135 डिग्री हो जाएगा। नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि चित्र में यदि एंगल 2 एंगल 8 के बराबर है, जो कि 70 डिग्री है, दोनों 70 70 है, और एंगल 3 जो है 110 है, एंगल 3 जो है 110 है, तो दिखाना कि M समांतर है N के। अच्छा, यहाँ पे M N दिया होगा और ये आपका पी क्यू समांतर है, ये हमें दिखाना है। चलिए देखिए, दिया है चित्र में कि एंगल 2 बराबर एंगल 8 बराबर में 70 डिग्री और एंगल 3 जो है 110 डिग्री है। तो सिद्ध करना है M समांतर है N और P समांतर है Q के, M N के समांतर है और P Q के समांतर है। चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। अब क्या है, एंगल 2 और एंगल 8 बराबर है। देखिए एंगल 2 बराबर में एंगल 8 बराबर में 70 डिग्री है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, फिर ये भी दिया है कि एंगल 3 जो है ना वह 110 डिग्री है, ठीक है। तो अब देखो, अच्छा अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें एंगल 7 प्लस एंगल 8 की, ये दोनों चीज़ें दी हुई है, लिख देते हैं एंगल 7 प्लस 8 की बात करेंगे तो इन दोनों का योग 180 होगा ना, रैखिक 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 युग्म अभिगृहित से ये हो जाएगा। तो जब ये दोनों का योग 180 और एंगल यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे एंगल 8 की, तो वो दिया हुआ है हमारे पास 70 डिग्री, तो एंगल 7 यहाँ से कितना जाएगा, जाके उधर घटेगा तो 130 डिग्री हो जाएगा। ये 130 और एंगल 3 भी 130 है, और ऊपर देख रहे हैं कि चूंकि एंगल 30 भी जो है 110 ना होगा, ये जाके उधर घटेगा 110 हो जाएगा, और एंगल 3 भी 110 है, जाके उधर घटेगा तो एंगल 3 भी 110 दिया हुआ है, ठीक है। तो जब ये 3 और 7 बराबर है तो संगत कोण के ये युग्म में दिख रहा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं संगत कोण अभिगृहित के प्रतिलोम से क्या हो जाएगा, यहाँ पर M रेखा समांतर हो जाएगी N के, ठीक है, क्लियर है। अच्छा अब देखिए, हमें यहाँ पर P और Q भी समांतर दिखाना है। अब देखिए एंगल हमारे पास 2 दिया है, अच्छा, और यहाँ पे 2 जो है 70 है। अच्छा एंगल 4 की बात करें तो हम लोग देखो यहाँ पर एंगल हम लोग देखेंगे कि 3 और प्लस में एंगल 4 का योग 180 डिग्री हो जाएगा, रैखिक युग्म अभिगृहित से ऐसा हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर 3 की बात करें तो 110 है और प्लस में एंगल 4 बराबर में 180, ये जाके उधर घट जाएगा तो एंगल 4 कितना हो जाएगा आपका 70 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल 4 70 हो गया और एंगल 2 भी आपका 70 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 2 और 4 70 70 है, तो ये पी क्यू के समांतर नहीं हो जाएगा संगत कोण के अभिगृहित के प्रतिलोम से। तो यहाँ देखो एंगल 2 बराबर में एंगल 4 दोनों 70 70 डिग्री है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं संगत कोण अभिगृहित के प्रतिलोम से पी जो है समांतर हो जाएगा क्यू के, ये हमने प्रमाणित करके दिखा दिया, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। चित्र में यहाँ AD जो है समांतर है BC के और AB समांतर है CD के, तो इसे सिद्ध करना है। देखिए क्या दिया है यहाँ पर कि AD समांतर है BC तथा AB समांतर है CD, AB समांतर है CD, तो सिद्ध करना है कि एंगल DAB जो होगा बराबर होगा एंगल DCB के। यहाँ पर देखिए DAB जो होगा बराबर हो जाएगा किसके, DCB के। चलिए अब इसका हम लोग प्रमाण देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए अगर हम लोग बात करें AD समांतर BC की, ये दिया है, तो जब AD समांतर है BC के
तो अगर हम लोग चाहें AD समांतर है BC के, तो यहाँ पे चाहें जब AD समांतर है BC के, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये वाला कोण जो होगा, ये वाला कोण और इस वाले कोण का योग 180 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल DAB और प्लस में एंगल ABC बराबर में 180 डिग्री। ये देखो ये दोनों समांतर हैं और ये तिर्यक रेखा का काम करेगा, तो एक ही तरफ के अंतःकोण हो जाएंगे, एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग, अंतःकोण का योग 180 डिग्री होता है ना जी, समीकरण एक ले लेते हैं। उसी तरह से आपके पास दिया है AB समांतर में CD, ये दिया हुआ है, AB समांतर CD दिया हुआ है। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल ABC और प्लस में एंगल DCB, इन दोनों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। ये भी एक ही तरफ के अंतःकोण के योग, क्योंकि ये दोनों समांतर है, ये तिर्यक रेखा का काम करेगा। समीकरण दो, इन दोनों से ये दोनों बराबर ना हो जाएंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण एक तथा समीकरण दो से, ठीक है, तो एंगल DAB और प्लस में एंगल ABC इक्वल टू में एंगल ABC और प्लस में एंगल DCB, तो इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ से DAB जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा एंगल DCB के, ये आपका प्रमाणित हो गया। समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, चित्र में AB समांतर है CD के। अच्छा, AB और CD के मध्य में एक बिंदु E स्थित है, तो इसको हमें सिद्ध करना है। चलिए, हमारे पास दिया क्या है, हम लोग AB समांतर देख रहे हैं, CD है, और AB तथा CD के मध्य एक बिंदु ई स्थित है। ठीक, ई बिंदु स्थित है। अब इसके बाद देखिए, तो सिद्ध करना है कि एंगल ABE प्लस में एंगल BED प्लस में एंगल CDE बराबर में 360 डिग्री होगा। ABE यहाँ पर फिर आपका दिया हुआ है, आपका BED और CDE इनका योग जो होगा 360 होगा। चलिए, तो इसमें हमें थोड़ी सी रचना करनी होगी। रचना में क्या करेंगे, यहां पर हम लोग लिख देंगे कि AB के समांतर एक रेखा हम लोग PQ खींचे, ऐसा लिख देते हैं, जो बिंदु ई से होकर जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे जी, हम लोग यहां से एक इस तरह से रेखा खींच रहे हैं, ठीक है, जो कि आपका समांतर है AB के, डॉटेड कर देते हैं इसे। ठीक है, चलिए इसका नाम यहाँ पर लिख देते हैं, क्या है जी, PQ, हमारे अकॉर्डिंग PQ नाम है। अब इसके बाद देखिए, अब इसका यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये AB जो है समांतर हमने PQ खींचा है रचना से, तो यहां से एंगल ABE और प्लस में एंगल BEP इक्वल टू में 180 डिग्री हो जाएगा। ABE और BEP इन दोनों का योग एक ही तरफ के अंतःकोण है, एक ही तरफ के अंतःकोण है, इनका योग 180 होगा ही। चलिए, फिर उसी तरह से हम लोग यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि CD भी समांतर हो जाएगा आपके PQ के, क्यों, क्योंकि हमारे पास दिया है कि AB CD के समांतर है, ये चीज हो जाएगा। चलिए, अब इसके बाद देखते हैं, तो जब ये इसके समांतर हो जाएगा, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण 180 हो जाएगा, यानी कि एंगल PED और प्लस में एंगल CDE बराबर में 180 डिग्री हो जाएगा। ये भी एक ही तरफ के अंतःकोण, एक ही तरफ के अंतः कोण है, तो इनका योग 180 डिग्री हो जाएगा। चलिए, तो इसको समीकरण एक समझ लेते हैं और इसको समीकरण दो, तो यहाँ लिखते हैं समीकरण एक तथा समीकरण दो को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है,
एंगल ए बी ई और प्लस में एंगल बी ई पी और प्लस में एंगल पी ई डी और प्लस में एंगल सी डी ई, इन सब का योग क्या हो जाएगा, यानी कि 180 डिग्री और प्लस में 180 डिग्री। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर एंगल ए बी ई और प्लस में यहाँ पे बी ई पी और पी ई डी, ये दोनों मिलके ये वाला कोण हो जाएगा कि नहीं, एंगल बी ई डी हो जाएगा और प्लस में एंगल सी डी ई होगा, इक्वल टू में 360 डिग्री। यही ना मैं साबित करना था, हमने यहाँ पे इसे प्रमाणित करके दिखा दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, क्या कह रहा है कि चित्र में एंगल बी 97 डिग्री, एंगल सी दिया है 187 डिग्री, तो सिद्ध करना इन सबको। चलिए देखते हैं, दिया है यहाँ पर एंगल बी जो है आपका 93 डिग्री है, एंगल सी जो है 87 डिग्री है। अच्छा यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल दिया हुआ है सी डी ई, ये है आपका 273 डिग्री, और फिर रिफ्लेक्स एंगल दिया हुआ है यहाँ पर डी ई एफ, वो है आपका कितना है 267 डिग्री। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है ए बी समांतर, सी डी समांतर ई एफ, और फिर तथा कह रहा है कि बी सी जो होगा समांतर होगा डी ई के। देखिए यहाँ पर देखिए ये जो कोण दिए हैं इनके हिसाब से अगर चला जाए, हमें पहले दिखाना है ए बी समांतर सी डी, तो एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग देख लेते हैं पहले, तो ए बी समांतर सी डी होगा कि नहीं इसको पहले देख लेते हैं। यहाँ पे एंगल ए बी सी और प्लस में एंगल बी ई बी सी डी, इन दोनों का योग देखिए, तो यहाँ पे 93 और ये आपका है 87, दोनों को मिलाकर आपका हो जाएगा ये यहाँ कितना हो जाएगा जी 180 डिग्री। तो एक ही तरफ के अंतः कोण के युग्म, एक ही तरफ के अंतः कोण के प्रतिलोम से क्या हो जाएगा ए बी समांतर हो जाएगा सी डी के, ए बी सी डी के समांतर हो गया। अब सी डी जो है हमें दिखाना है कि ई एफ के समांतर है। अब इसको देखिए, हम लोग इसको दिखाने के लिए देखिए क्या करते हैं, अब तो इसको दिखाने के लिए एक काम करते हैं, पहले हम लोग बी सी समांतर यहाँ पे दिखा देते हैं डी, ठीक है, तब आगे बढ़ा जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखिए, इसको याद रखेंगे, ठीक है, हम लोग बी सी समांतर डी दिखाने के लिए देखिए क्या है, एंगल बी सी डी जो है 87 डिग्री है। अच्छा एंगल सी डी ई की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी डी ई की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी डी ई, एंगल सी डी ई की बात करेंगे तो सी डी ई जो होगा ये वाला कोण, ये 360 में से रिफ्लेक्स एंगल सी डी ई घटा देंगे तो आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 360 डिग्री और माइनस में 273 डिग्री, इसमें से घटा देते हैं तो एंगल सी डी ई जो होगा देखो क्या हो जाएगा, ये आपका 87 डिग्री हो जाएगा, 87 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों बराबर हो गए, यह कोण इस कोण के बराबर हो गए, इसका मतलब देखो ये समांतर रेखाएं होंगी ना, ये तिर्यक रेखा का काम करेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एंगल बी सी डी इक्वल टू में एंगल सी डी ई, ठीक है, दोनों ये हो गया बराबर, इन दोनों क्या है प्रत्येक लिख सकते हैं प्रत्येक 87 डिग्री है, तो जब ये इसके बराबर हो गया कोण तो ये दोनों समांतर नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि एकांतर अंतःकोण के प्रतिलोम से यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या BC समांतर हो जाएगा किसके डी ई के, ये आपका प्रमाणित हो गया। अच्छा एक और चीज बचा है उसको भी देख लेते हैं, हमें अब सी डी जो है ना समांतर इसके दिखा देना है, तो एक काम करते हैं फिर से आगे देखिए, अब इस चित्र में देखिए ध्यान से, ये हमने 87 डिग्री निकाल दिया, अच्छा ये वाला कोण कितना होगा, यानी कि एंगल डी ई एफ कितना होगा, तो वो रिफ्लेक्स एंगल को 360 में से घटा लेना होगा, इसके रिफ्लेक्स एंगल को, यानी कि हमें 360 में से घटा लेना होगा रिफ्लेक्स एंगल डी ई एफ,
तो 360 और माइनस का 267, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर 93 डिग्री आ जाएगा, ये 93 हो गया। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग इन दोनों का योग देखें, किसका किसका एंगल सी डी ई और एंगल डी ई एफ, इन दोनों का योग देखें, तो देखो यहाँ पे यह है 87 डिग्री और एक है 93 डिग्री, दोनों को जोड़ देंगे तो 180 डिग्री हो जा रहा ना। तो जब ये दोनों का 180 हो रहा है तो ये दोनों समांतर होंगे ना, ये तिरक रेखा काम करेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक ही तरफ के अंतः कोण के प्रतिलोम से क्या हो जाएगा, सी डी जो हो जाएगा समांतर हो जाएगा ई एफ के। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ए बी समांतर सी डी, ऊपर दिया था देखे थे ना, और समांतर ई एफ हमने साबित किया था, और दूसरा जो है बी सी समांतर हो जाएगा डी ई के, ये हम लोग ऊपर दिखा चुके हैं। तो ये सभी प्रमाणित हो गए। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे तीन चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन, रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आर डी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथफाइंडर क्लास छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल से वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं।